बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 10B। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47। सर, स्टूडेंट्स हाइट है 47 की। द केबल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। आगे है स्टूडेंट्स कोमा लगा के 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। 18 मीटर, ये फुट ऑफ द पोस्ट से वो 18 मीटर के डिस्टेंस पर है। और ये जो यहाँ से कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल, तो ये जो लेंथ की उसके जो टॉप से यहाँ फुट तक की ये लेंथ है, ये हमसे स्टूडेंट्स मांग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसे खुद ड्रा करेंगे तो स्टूडेंट्स ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो स्टूडेंट्स आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेनस जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर, दूसरी दोनों साइड उसको 18 को पहले लिखना या 47 को लिखना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट्स मैं आपको फार्मूला पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर भी बहरहाल मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, इसका स्क्वायर भी और इसका भी स्क्वायर। जब आपने दोनों के स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 47 का अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2209। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें ऐड कर दें, ऐड करने पर आपके पास इसका आंसर आया है 2533। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ये लेंथ, ना कि एक्स स्क्वायर की। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यूजिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्टूडेंट्स उसी टाइम पर प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने से कैलकुलेटर ने इसका आंसर दिया है 50.3 समथिंग ऊपर दिया, तो लेकिन आपने स्टूडेंट्स इसे राउंड करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना, और आगे लिखना है 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर के, हमने उसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इसमें यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो यूज़ करना है, माइनस वाला नहीं, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज एक्स हमेशा जो है ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, तो सो हम नेगेटिव वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरीके के स्टूडेंट्स नीचे वाले भी पार्ट्स हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मैं एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन 5 और 6 के बारे में। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स कहता है कि मिस्टर ली बायज़ अ 30 इंच टेलीविजन। 30 इंच का एक टेलीविजन लेता है, तो द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज़ 18 इंच, जो उसकी हाइट है वो 18 इंच की है। उसके बाद कहता है कि गिवन दैट द टेलीविजन स्क्रीन आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल। डायगोनल बेटा स्टूडेंट्स कहते हैं, अगर आप लेट से ये आपके पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप पिक्चर है, तो एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट साइड पर कॉर्नर, यह आपका डायगोनल बनेगा। तो ये जो डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायगोनल की जो लेंथ है वो दे रहा है आपको, कहता है कि द गिवन दैट द टेलीविजन स्क्रीन आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल, जहाँ से डायगोनल की साइड पर हम मेजर करते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 30 इंच, जो डायगोनल की लेंथ है वो 30 इंच है। और दूसरा पूछता है हाउ द वाइड इज स्क्रीन, की स्क्रीन इस साइड से अगर आप ये रेक्टेंगुलर टाइप पिक्चर है, तो ये उसकी वाइड विर्थ जो है वो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो विर्थ है ये नीचे से ये हमसे डिमांड कर रहा है। तो ये सबसे ग्रेटर साइड जो हमारा हाइपोटेनस बनेगा 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कोई लेट कर लें, एक्स लिख लें, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस 18 सेंटीमीटर एंटी इंच। तो स्टूडेंट्स इंच वगैरह यूनिट यूज़ ना करें, जब आंसर निकल आएगा लास्ट पे उसको यूज़ कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 900 स्क्वायर करने से। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको लिखें प्लस 3254, ये इधर प्लस का इक्वल की साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा 324, और ये आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आंसर हमारे पास आया, इसको स्टूडेंट्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास बचेगा 576। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आप इसे हेल्प ले लीजिएगा। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना के, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यूजिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक्स यहां पर क्या निकलेगा प्लस माइनस 24। लेकिन स्टूडेंट्स लेंथ हमेशा हमारी जो है वो प्लस वाली ही हुआ करती है, तो सो हम यहां पे रीज़न देंगे कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और क्या नाम है, तो इसकी जो विड्थ है वो हमारी कितनी बनी है 24 इंच। यूनिट स्टूडेंट्स लास्ट में लाजमी लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स पिक्चर जो है आपकी बुक पर दी गई है, तो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने ये जो रेक्टेंगुलर बनाई गई है आपकी बुक पर,
बुक पर ये रेक्टेंगुलर दो बनाकर उसमें उसने ये बनाई हुई हैं दो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल बना के, ये नीचे वाला कहता है कि ये जो है ये 16 मीटर अपार्ट हैं, ये जो दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, एक की हाइट 30 है और दूसरी की हाइट 37 मीटर है, दोनों की यहाँ पर दी हुई है 16 मीटर अपार्ट हैं। और स्टूडेंट से यहाँ से ये केबल आती है एक टॉप से दूसरे टॉप पर आती है, तो ये केबल की जो लेंथ है ये हमसे डिमांड कर रहा है और दूसरी जो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इतना जो डाटा आपको बुक वाला दे रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है ये जितनी नीचे थी उतनी ही ऊपर थी, ये 16 हो गई और ये 30 थी और ये 37, तो इस साइड वाली लेंथ जो है हमारे पास वो 37 टोटल है, ये 30 तो ये फिर 7 मीटर रिमेनिंग बची, क्योंकि ये टोटल 37 थी और ये 30 है, तो फिर ये जो बाकी है ये 7 हो गई और ये नीचे से हमने देख लिया ये 16। तो जब ये दो दी हुई हैं तो ये थर्ड साइड आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटनस हमारी सबसे ग्रेटर साइड ये बनती थी, ये बेस और ये हमारा हाइपोटनस बन जाएगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी। तो स्टूडेंट्स आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो आप इसे आगे सारा फाइंड आउट कर लें इसे, तो इसके जो सम करने से आपके पास इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 256 प्लस 49 और ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 305। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स ये सारा सॉल्व करते जाएं आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे 305, जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। 126 आपने ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने हैं और इसको आपने लिख देना अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हमने इसको लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या नाम है, इसके यूनिट आप लिख दें कि 17 मीटर जो है वो केबल बनती है हमारी, द लेंथ ऑफ केबल, लेंथ ऑफ केबल इज इक्वल टू 7.5 मीटर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये लेंथ आपने पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे रीज़न दें कि एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।